हेलो गाइस, मेरा नाम पराग फर्नीस है और मैं एक ट्रेवल ब्लॉगर हूँ। एंड कुछ टाइम पहले मैं और मेरा फ्रेंड तरंग एक बहुत ही खूबसूरत देश वियतनाम की 30 डेज की ट्रिप पर गए थे। इफ़ यू हैवंट सीन इट, प्लीज़ डू वॉच इट। तो आज हम बात करेंगे इस एक महीने की ट्रिप के बजट के बारे में। जैसे कि बहुत लोगों के बजट के बारे में सवाल थे, तो आज ये वीडियो आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। सो एक्चुअली इट्स बिन मोर देन 8 मंथ्स। वी अराइव्ड इन इंडिया ऑन 10th of March 2020 एंड वाइल इन वियतनाम वी डिड दिस बैकपैकिंग ट्रिप ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ टू सेंट्रल रीजन ऑफ वियतनाम। अब वियतनाम ऐसी कंट्री है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। ज़्यादातर इंडियन साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन वियतनाम एक ऐसा देश है जहाँ पर हिस्ट्री से लेकर कल्चर तक, माउंटेन से लेकर बीचेस तक, केव से लेकर आइलैंड्स तक बहुत कुछ है एंड इवन मोर। और सच बताओ तो ये सब देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वियतनाम इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मतलब ये कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, कपल हैं या फिर फैमिली के साथ भी जाना चाहते हैं तो वियतनाम एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जो सुंदर हो, इंडिया से ज़्यादा दूर ना हो और साथ ही साथ थोड़ी सी ऑफबीट भी हो, तो वियतनाम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो वियतनाम ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे लोगों को इस कंट्री के बारे में पता भी नहीं है। ये कंट्री काफ़ी सही है और सबसे अच्छा बोनस ये है कि यू कैन डू वाटर एक्टिविटीज़ लाइक स्नॉकलिंग, स्कूबा डाइविंग, यू कैन गो ऑन अ लग्जरी क्रूज इन हलोंग बे, यू कैन गो ऑन अ हाइक और अ नेचर ट्रेल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज रेंटिंग अ बाइक एंड एक्सप्लोरिंग द माउंटेन्स ऑफ वियतनाम। वी हैव मेंशनड इन मेनी टाइम्स दिस सीरीज अबाउट द हाईएन लूप। अब हाईएन लूप इस ट्रिप का सबसे खास हिस्सा था। हम हमेशा अपने वीडियोज में बोलते आए हैं कि सबसे ज्यादा मजा हमें वहीं पर आया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के वीडियोज पर बहुत कम व्यूज है। आप एक बार देखिए तो सही, अगर आप अपने ट्रिप में थोड़ा सा एडवेंचर का फैक्टर डालना चाहते हैं तो मैं हाईएन लूप जरूर रिकमेंड करूँगा। आमतौर पर हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे 3 टाइप के खर्चे होते हैं, रहना, खाना और घूमना। सो आई डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स, अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रेवल। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपका कितना खर्चा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन एवरेज हमारा कितना खर्चा हुआ। अगर हॉस्टल्स की बात करें तो हमको सभी सिटीज़ में नियरली 200 पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से हॉस्टल मिल गया था। ज़्यादातर जगह पर एसी डॉर्म्स और कुछ जगहों पर तो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। फिर मैंने 3 टाइम के खाने का एवरेज कैलकुलेट किया तो करीब 100 रुपये में हमारा ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर आराम से हो जाता था। ये ध्यान रखिए कि आपको वियतनाम में सभी चीज़ों के चीपर अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। एंड मैंने हमारे वीडियोज़ में अलग अलग सिटीज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। फिर बात आती है घूमने की, तो हमने हर दिन तो बाइक रेंट नहीं करी थी और सच बताओ तो आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल घूमकर ही पूरी सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको बाइक रेंट करनी है तो 250 से 300 रुपीज़ के बीच में आपको बाइक मिल जाएगी। इन सब का टोटल अगर देखें तो होता है 200 फॉर हॉस्टल, 300 फॉर फूड एंड 300 फॉर बाइक, मतलब सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये। काफ़ी सस्ता है ना, और इसमें मैंने 50 रुपये अपनी तरफ से ऐड किए हैं, ये ध्यान रखते हुए कि सब जगह प्राइजेस सेम नहीं होती है। तो अब हमारा टोटल हो गया है 850 रुपीज़। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं अकोमोडेशन के बारे में, कि हमारे हॉस्टल्स कैसे थे और आपको एग्जैक्टली कितने पैसे में कौन सी सिटीज़ में अच्छे हॉस्टल्स मिल सकते हैं। वैसे तो सभी हॉस्टल्स अच्छे थे, लेकिन जहाँ पर कुछ ख़राब लगा है वो मैंने वीडियो में ज़रूर मेंशन किया है। शुरू करते हैं हनोई से, जो वियतनाम की कैपिटल सिटी है। यहाँ पर हमें एक अच्छी डील मिल रही थी, इसलिए हमने एक लग्जरी हॉस्टल चूज़ किया था जो हमें 3 दिन के लिए सिर्फ
4,30,000 वियतनामी डॉन्ग में मिल गया था। यह अमाउंट सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन वियतनाम की करेंसी इंडिया से काफी वीक है। मतलब 1,000 वियतनामी डॉन्ग की इंडियन करेंसी में वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए है। उस हिसाब से 3 दिन का हॉस्टल हमको 2 लोगों के लिए सिर्फ 1,300 रुपए में मिल गया था। फिर हम पहुंचे हाइयान में, जहाँ हमको 480 रुपीज में 3 दिन के लिए विद ब्रेकफास्ट हॉस्टल मिल गया था, जो कि हमारे इस पूरे ट्रिप का सबसे सस्ता और बढ़िया हॉस्टल था। इसी हॉस्टल से हमने बाइक भी रेंट करी थी और हाइयान लूप की 5 दिन की राइड भी करी थी, जो हमारे इस ट्रिप का सबसे खास और पसंदीदा हिस्सा था। उसके बाद हाइयान लूप के दौरान अलग अलग टाउन्स में हमारा रुकना हुआ, जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हाइयान लूप की प्लेलिस्ट देखें। इन 5 दिन में हमारे हॉस्टल का खर्चा कुल मिला के 1,250 रुपये पर पर्सन हुआ था। फिर हमने एक रात के लिए हलोंग सिटी में स्टे किया था, जहां हमको 190 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से होटल रूम मिल गया था। आफ्टर दैट वी रीच कैटबा आइलैंड, जो मेरे सेकंड फेवरेट हिस्सा था, जिसमें हमको सिर्फ 300 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 3 बेड वाला बड़ा सा रूम मिल गया था। फिर हम पहुंचे निनबिंग के एक नेचर हाउस में, जो पहाड़ों के बीच में था, और यह हॉस्टल बहुत ही ज्यादा प्यारा था। यह हमारा 240 रुपीज पर डे पर पर्सन का खर्चा हुआ था। उसके बाद हमने एक दिन हुए के हॉस्टल में स्टे किया था। यह हॉस्टल की खास बात थी इसका ब्रेकफास्ट मेन्यू और यहाँ का डॉर्म रूम। मुझे पर्सनली हॉस्टल बहुत पसंद आया था और इसके एक दिन के स्टे की कीमत विद ब्रेकफास्ट 2 लोगों के लिए सिर्फ 375 रुपीज थी। इसके बाद हम पहुंचे दनांग में, जहाँ पर हॉस्टल अच्छा था, प्राइस भी ठीक ठाक थी, लेकिन इसके होस्ट का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था। खैर, इस हॉस्टल में हमें करीब 200 रुपीज पर पर्सन पर डे लगा। फिर हम गए होयान में, जहाँ 4 दिन के लिए हमको 1,550 रुपीज़ में हॉस्टल डॉर्म से प्राइवेट रूम में अपग्रेड मिल गया था। एंड लास्टली हम फिर से दनांग में आए थे, जहाँ हमको 1,470 रुपीज़ में हॉस्टल डॉर्म रूम में 4 दिन के लिए 2 बेड्स मिल गए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड। ऑन एवरेज हमने 15 दिन वियतनामीज फूड खाया और बाकी 15 दिन में एटलीस्ट एक बार तो इंडियन फूड खाया ही है। और जहाँ तक वेज और नॉनवेज की बात है, तो 30 दिन में सिर्फ 3 बार हमें नॉनवेज फूड खाना पड़ा था, बिकॉज वेज उस समय हॉस्टल में अवेलेबल नहीं था या उस होटल में अवेलेबल नहीं था, वरना हमने हर दिन हर वक्त वेज ही खाया है। और यही बात मैं अपने वीडियोस में हमेशा हाईलाइट करते आया हूँ कि वेज फूड की वियतनाम में कोई दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी जगह पर आपको ब्रेकफास्ट हॉस्टल में ही मिल जाएगा और सभी जगह पर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, जो आप सैलेड की तरह खा सकते हो। ये आपको सस्ता भी पड़ता है और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। उसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि 100 रुपीज पर मील, मतलब करीब 300 रुपीज पर डे के हिसाब से आपका खाने का खर्चा आराम से निकल जाएगा। इसमें आप कभी बजट बढ़ा के इंडियन फूड भी खा सकते हैं और कभी बजट कम करके सैलेड या स्ट्रीट फूड भी खा सकते हैं। बाकी जहाँ जहाँ हो पाया, हमने अपने वीडियोज में रेस्टोरेंट का नाम, बिल और मेन्यू भी मेंशन किया है। आप फूड रिलेटेड वीडियोज देख सकते हैं, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकल ट्रैवलिंग इन वियतनाम। वियतनाम इज़ ए कंट्री विथ मोस्ट नंबर ऑफ मोटर बाइक्स एंड इट्स फेमस फॉर इट्स मोटर बाइक मैडनेस। तो आपको सभी सिटीज़ में, सभी टाउन्स में मोटर बाइक तो बहुत ईजीली मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा सीसी की बाइक लेना चाहते हैं तो वो भी आपको थोड़े ज़्यादा पैसे स्पेंड करके मिल जाएगी। लाइसेंस की बात करें तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इनकेस यू गेट कॉट समवेयर, बी रेडी टू पे अ फाइन। लकीली कहीं पर भी हमको ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। और सिटीज़ के बीच में ट्रेवल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वियतनाम की बसेस। आपको 99% जगहों पर जाने के लिए बसेस या वैन मिल ही जाएगी, जो काफ़ी बजट फ्रेंडली भी होती है। वियतनाम में ट्रेन ट्रैक्स कम है और शायद इसी वजह से यहाँ की ट्रेन में ट्रेवल करना थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आपको ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस पसंद है तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आइलैंड्स पर जाने के लिए आपको फेरी, स्पीड बोट या लग्जरी क्रूज जैसे बेहतरीन ऑप्शन भी मिल जाएंगे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द बिग रिवील। मुझे लगा था कि मेरा कम से कम 30,000 का तो खर्चा हुआ ही होगा, लेकिन जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया तो मुझे पता पड़ा कि सिर्फ 25,000 से 27,000 के बीच में खर्चा हुआ है। एग्जैक्ट खर्चा कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई कई चीज़ें पर मैंने नोट नहीं किया है। तो 25 से 27,000 फॉर 30 डेज, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है और उसी हिसाब से मैंने आपको 850 पर डे का हिसाब बताया है। तो जी, मेरे हिसाब से तो काफ़ी जानकारी हो गई है। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी प्लेस के बारे में या फिर किसी इशू के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, इससे पहले कि आप वियतनाम के वीज़ा के बारे में कुछ पूछें, मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं वियतनाम के वीज़ा और फ्लाइट के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले वेनसडे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।